और ये आपके पीछे जो ऑफिस को ताला लगे हुए, कोई बात नहीं, कोई बड़े नेता है, मेरे बड़े भाई चाबी लेके कहीं चले गए हैं, तब तक घर बैठ के काम कर लेंगे। ये तो कांग्रेस कार्यालय है, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस है मैम, और आप कांग्रेस प्रत्याशी हो, तो क्या मान रहे हो कि आप के आने की सूचना नहीं थी कि इनके पास किसी अधिकारी के पास? नहीं, इनके पास सारी सूचना थी, शायद कोई जरूरी काम होगा इनका, उसके लिए चले गए होंगे। कोई बात नहीं भाई, मैंने बताया कि मैं किसान की बेटी हूँ, मैं तो बाहर भी बैठ सकती हूँ, तो बरामदा है फिर भी इसमें बैठी हूँ, तो अपना यहीं से काम तो करना है। आपने देखा है मेरे को 6 साल गलियों में ही काम करते, जून के महीने में आपने मेरे को गलियों में फिरते देखा है, हमें तो ना पंखे की जरूरत है ना कहीं की जरूरत है, हमें तो यहाँ से अपना काम कर लेंगे। तो क्या लगता है आप कांग्रेस पार्टी से यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हो, क्या यही कारण है कि आपके जो नामांकन भरा गया था उसमें कांग्रेस विरोध कर रही है आपके सदस्य कार्यकर्ता? सारे कल साथ थे ना नामांकन में, आपने देखा? ये तो मैडम ऑफिस में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? कोई बात नहीं भाई, छोटी बहन होंगी वो कुर्सी पे अंदर बैठ जाएंगे, बाहर बैठने की कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है किस कारण से आपसे जो रंजिश रखी जा रही है? शायद एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिल गई है, आगे आने वाले चुनाव में क्या आप? कोई बात नहीं, चुनाव तो वर्कर लड़ता है भाई, नेता थोड़ी लड़ते हैं, और ये वर्कर ये सारे वही बैठे ऑप्शन में वोट करते रह जाएंगे। तो ऐसी अनदेखी क्यों की जा रही है, क्या लगता है कि पार्टी की आपस की गुटबाजी है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ वैसे ही कुछ लोग गलत में पाल बैठे हैं कि वो इसकी कांग्रेस एक समुद्र है भैया, अरे यहाँ बहुत कुछ है, वो तो कुछ लोग सिर्फ अपने आपको इसका मालिक समझ बैठे, गलत काम नहीं होती और कुछ नहीं। तो अब आपका क्या निर्णय रहेगा? क्या ऐसे काम करेंगे? एसजीटीसी से एक मिनट कैंडिडेट से।